नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ धीरज कौशिक, और आज सभी को बताना चाहूंगा मैं रूखी त्वचा और रूखी त्वचा में होने वाली एलर्जी के कारण, उसके सुझाव और उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं रूखी त्वचा के कारण का। आपकी त्वचा रूखी कब होती है? जब सर्दी के टाइम या फिर गर्मी में कई बार आपकी त्वचा में नमी खत्म हो जाए, उसके कारण आपकी त्वचा रूखी हो जाती है और एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाती है। हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहले पूरे दिन में लगभग 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, अपनी त्वचा को रूखी होने से बचाइए, और कुछ न कुछ उसको मॉइस्चराइज करने के लिए, नमी रखने के लिए उसके ऊपर लेप अवश्य करें, चाहे वो सन प्रोटेक्टिव फिल्म हो, चाहे वो सनस्क्रीन हो, चाहे वो कोई भी मॉइस्चराइजर हो, आप उसको लगा के रखें। हम कुछ आयुर्वेदिक तरीके आपको बताना चाहेंगे जिनसे आप अपनी त्वचा की नमी को लगातार बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे पुराना तरीका है वो है शहद। सोते टाइम अपनी जो भी त्वचा आपकी रूखी होती है, जहाँ पर भी आपको इरिटेशन या फिर एलर्जी महसूस होती है, वहाँ पर आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है तिल का तेल। तिल के तेल को आप दिन में भी लगा सकते हो और रात में भी लगा सकते हैं, तो आपकी त्वचा के रूखापन को तिल बहुत ही अच्छे तरीके से दूर करेगा। बादाम का तेल और जैतून का तेल मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा का जो रूखापन है वो दूर हो जाएगा। और सबसे सस्ता जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आप किसी भी समय लगा सकते हैं, ये आपकी त्वचा का जो रूखापन है, नमी है, उसको बरकरार रखेगा और जो मिनरल्स आपकी त्वचा को चाहिए वो दे पाएगा। और कुछ हम खाने के बारे में बताते हैं कि रूखी त्वचा के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट खाने वाली चीजें हैं वो क्या होती हैं। फलों में आप सेब, पपीता या फिर संतरे वगैरह ले सकते हैं, और विटामिन ए, सी, डी, ई, इनको आप भरपूर मात्रा में लीजिए। कच्ची सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए, इससे क्या होगा आपकी त्वचा के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो घूमते रहेंगे और रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स हैं जो रूखापन लाते हैं, उनको ये रिमूव कर देंगे। इस वीडियो में आपको हम इतना ही बताएंगे। यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि किसी और को भी ये संदेश पहुंच सके। और जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।